गाइस मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ सोलंग वैली के पास, और लेवल के चक्कर में आपको ठंड लग सकती है, तो इसलिए स्नो जैकेट प्रेफर किया जाता है यहाँ पे। ये 400 तक पर पड़ सकता है। नीचे लोग बता रहे हैं कि यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर ऊपर है जो स्नो पॉइंट, जो टॉप वाला है। मैं आपको एक बार उठा के दिखा भी देता हूँ। ये देखो यार कितना सॉलिड हो गया है यार स्नो। तो होटल में पहुंच चुका हूं और रास्ते में भाई साहब इतनी ठंडी कि पूछो तो मेरे हाथ एकदम सकड़ गए थे। अभी मैं आके वॉशरूम में गर्म पानी करके अपने हाथ धोया हूं, तब जाकर थोड़े नॉर्मल से हुए हैं। तो ड्राइव करते समय इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई थी कि पूछो मत। ग्लव्स भी थे लेकिन ग्लव्स में भी कितना ही ठंडी रोकेगी, तो मतलब हाथ एकदम से अकड़ गए थे। एंड खाना मैं खा चुका हूँ, मैं बाहर ही खा के आ गया था क्योंकि बाहर का खाना जो है सस्ते में मिल जाता है एज़ अ कंपेयर टू होटल्स। तो अब मुझे बहुत जोर की आ रही है नींद और मैं चल रहा हूँ सोने के लिए। और कल का मेरा प्लान है मणिकरण टेम्पल का, और अभी मैं सर्च करूँगा कि टैक्सीज वगैरह का कि उनका क्या फेयर है अप एंड डाउन का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूटी को लेके जा पाऊँगा इतने ठंड के अंदर, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई जैकेट वगैरह भी नहीं है जो मैं मतलब कि क्योंकि 90 किलोमीटर यार डिस्टेंस है, तो उसको कवर करने में मतलब यह है कि तुम्हें कहीं सर्दी वर्दी ना लग जाए, तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत की बात है। तो बाकी मैं एक बार टैक्सी का फेयर पता करूँगा कि कितना, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं कुछ सोचूँगा कि जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, एंड अगर ठीक ठाक रेट रहा तो फिर मैं जाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा, ऑब्वियसली बात है। चलो यार इस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलता हूँ मैं फिर कल सुबह आप लोगों को। The next day. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं मणिकरण जाऊँगा टेंपल घूमने के लिए, तो मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में मैंने ये कह रखा था कि मैं अभी जाके टैक्सी का फेयर वगैरह पता करूँगा कि अगर आप अगर सोलो ट्रैवल करते हो तो उसका कितना चार्ज मतलब होना चाहिए, या अगर आप 2-4 जनी हो तो उसके हिसाब से कितना होना चाहिए। तो कल मैंने पता किया तो वो सोलो और 4 जनी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपना पैसा देखते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज यहाँ का लोकल जितना भी है कवर करूँगा, और वो भी मेरे हिसाब से 2.5 से 3 घंटे के अंदर हो जाएगा। और आज मैं अपने होटल से यहाँ से चेकआउट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज इसलिए रुका हुआ था क्योंकि मेरे को मणिकरण जाना था, लेकिन मणिकरण के लिए बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट ले रहे थे, मतलब 3500 रुपये से 1 रुपये कम नहीं कर रहे, उल्टा हमने किसी और से पूछा कह रहे भाई 4000 रुपये दे दूँ। तो हमने मणिकरण का ट्रिप मैंने जो है मणिकरण का जो ट्रिप है वो कैंसिल कर दिया है, एंड अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से वापस अपने घर के लिए। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं मॉल रोड और हडिम्बा टेम्पल और क्लब हाउस अगर हो पाया तो मैं कवर कर लूँगा, मतलब जिस टाइम की मेरी बस है उस टाइम तक अगर मेरा ये तीनों कवर हो गया बढ़िया है, अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं क्लब हाउस मतलब इसमें फिर हमारा क्लब हाउस रह जाएगा। तो क्लब हाउस में फ़िलहाल वैसे बहुत सी चीज़ें बंद पड़ी हैं, लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत चीज़ें खुली पड़ी हैं, और जैसे अपना हडिम्बा टेम्पल मेन हो गया और मॉल रोड मेन हो गया है, उसके अलावा भी 2-4 चीज़ें और भी हैं, जैसे कि वाटरफॉल है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। अगर आप मैं तो फिलहाल आया था 2 दिन की छुट्टियों के लिए, लेकिन अगर आप आते हो हफ्ते भर के लिए तो आप मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग आप अपना आराम से शेड्यूल दे के घूमिएगा। एक्चुअली मैं आया था सिर्फ मेरा मेन था स्नोफॉल और मणिकरण, लेकिन मणिकरण के इतने ज़्यादा फेयर्स ले रहे हैं कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोलो हूँ तो सोलो के हिसाब से बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं ये। एंड तो मिलता हूँ फिर यार, नहा धो के फिर चलते हैं। तो मैं हो चुका हूँ रेडी और भैया भी आ चुके हैं 2 बार, होटल वाले भैया कि सर आप चेकआउट कर लो। तो मैं उनको पिछले आधे घंटे से 10 मिनट कर रहा हूँ, तो फटाफट निकला जाएगा यहाँ से, फिर मैं आप लोगों को बाहर मिलता हूँ।